इधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों को खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। चांडिल अनुमंडल सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में खाद्य पदार्थों में मिलावट को पहचानने, मिलावट रोकने और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पीटेक एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया गया। सरकार हम लोग का खाद्य सुरक्षा के लेकर बहुत ही गंभीर है और आप लोगों को इसलिए प्रशिक्षण तरह से निवारण कराया जा रहा है कि ताकि लोगों को आप लोग गुणवत्तापूर्ण अच्छा खाने योग्य खाना खिलाएं, भोजन उपलब्ध कराएं, ताकि कल के दिन में बहुत से जगह सुनने में आता है कि फूड पॉइजनिंग, खाने में जहर। इसका मतलब ये नहीं होता है कि खाने में वास्तव में जहर डाल दिया गया, ऐसा नहीं होता है। दरअसल बहुत सा ऐसे सामान है, चीजें हैं, तेल है, जिसके चलते जो भोजन रहता है वो विषाक्त हो जाता है, जिसको खाकर आदमी तरह तरह का बीमारी का शिकार हो जाता है। इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एनजीओ को जितने भी हम लोग को खाद्य सामग्री बेचते हैं, चाहे दुकानदार हो या होटल हो, चाहे रिजोर्ट हो, चाहे ढाबे वाले हो, सभी को ये ऑल ओवर इंडिया में दिया जा रहा है। खाली ये झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, हर जगह पे ये ट्रेनिंग चालू है। 2017 से ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया था। अभी तक सारे स्टेट में कुछ कुछ हो गया है और झारखंड में अभी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये झारखंड में थोड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्रेनिंग झारखंड में बहुत जल्दी अभी ख़त्म करना है। बहुत फूड बिजनेस ऑपरेटर को लेके क्या ये फूड सेफ्टी कैसे करना है, खाद्य को कैसे सुरक्षा देना है, खाद्य में अपमिश्रण ये जो आता है, मिलावट आता है, वो सब कैसे बंद करना है, ये सारे को लेके ये ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होगा। कितना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये जो जनरल लाइफ में हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना अगर सही नहीं होगा तो